आईसीए जमा होती है, सरेंडर करके आओ। डीसी आता है तो उसको तो सरेंडर करने की नहीं जरूरत होती। तो 2022 एससीएमआर मजार अली अकबर नकवी साहब की जजमेंट है, कोर्ट के अंदर सरेंडर किया जा सकता है, मगर उठाकर भाई को वहां पे बीच में भेज दिया जाता है। ये हमारी रेड लाइन है, एक सेकंड के लिए भी अरेस्ट एक्सेप्टेबल नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चेयरमैन साहब से थोड़ा सा डिसएग्री करते हुए मैं ये कहूंगा, वकील वकालत और ये मूवमेंट ठंडे लोगों का काम है। और से सुनिए लाहे अमल क्या होना चाहिए। ये करके नारे मार कर, नारे जो मारने हैं और जो करना है आपने औरों को दिखाना है, यहां पर बैठ के अपने आप को हल्का नहीं कर देना। और तकरीरें करना हम सारे के सारे वकील हैं, बहुत अच्छी तकरीर कर सकते हैं, मगर लाहे अमल क्या है और आगे क्या करना है और इफेक्टिव तरीके से क्या करना है वो हमने यहाँ पे सोचना है, तजावीज उसके ऊपर काम किया जाए। सबसे पहली एक चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा, मेरे भाई राणा आसिफ ने क्या गलत चीज की कि 3 महीने की सजा उनको मिली? बंदूक उसके पास थी, बम उसके पास था। सवाल सीधा सीधा यहां पर यह है, उस बंदे को यह कहा गया कि तुम अपना गाउन बाहर से पहन के आओ, वहां पे डट जाता और अगर वहां पे गले पड़ जाता तो शायद मैं उसके साथ ना होता। वो बाहर गया, गाउन पहना, 10 मिनट के बाद आके वकील की ड्यूटी की। वकील की ड्यूटी करने के बाद उसने ये गुजारिश की कि जनाब मेरे साथ मेरे ख्याल में ज्यादती हुई, मैं होता शायद कुछ ज्यादा कहता। और उसके ऊपर 3 महीने, हम इस नहज पर पहुंच गए, इस नहज के ऊपर बर्दाश्त की कमी है कि बैठकर उसको अल्फाज इस्तेमाल करने के लिए 3 महीने की सजा, 6 महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड, जबकि कानून के अंदर 3 महीने की पावर है। यह भी शायद मालूम नहीं था, इतना गुस्सा था कि 6 महीने के लिए कर डाला। आईसीए जमा होती है, सरेंडर करके आओ। डीसी आता है तो उसको तो सरेंडर करने की नहीं जरूरत होती। तो 2022 एससीएमआर मजार अली अकबर नकवी साहब की जजमेंट है, कोर्ट के अंदर सरेंडर किया जा सकता है, मगर उठाकर भाई को वहां पे बीच में भेज दिया जाता है। ये हमारी रेड लाइन है, एक सेकंड के लिए भी अरेस्ट एक्सेप्टेबल नहीं है। इस चीज के ऊपर हमें वोकला इत्तेहाद, एक चीज मैं यहां पे तकरीरें और भी दोस्तों की मैंने सुनी, मैं अपने भाई अदीब से डिसएग्री करूंगा, हम यहां पे वकला इत्तेहाद के लिए यहां पे मौजूद हैं, ना के गिनवाने के लिए कि फलां अलहदा हो जाए। गिनवाने के लिए और भी हम गिनवा सकते हैं, पिंडी में भी हुआ है। चूमे अपने भाइयों को अपने साथ लेके जाए, उसके अंदर ही आपकी बचत है, उसी के अंदर मूवमेंट है। दूसरा, हम वकील हैं, कानून के साथ खेलते हैं, कानून को इस्तेमाल करते हैं। मैंने तो एक लफ्ज नहीं यहां पर सुना कि कानून के कानूनन आप क्या करने के लिए जा रहे हैं। बात तो यह है, यहां पर पूरे पंजाब से लोग आए, मसला किस चीज का है? राणा आसिफ का एक मामला है, 780 किस चीज की है? वकील टेररिस्ट है, जजमेंट्स मौजूद हैं, कानूनी जंग लड़े। बात यह है, आप मेरे भाई ने यहां पे कहा ताला लगा दो, किस चीज का ताला लगा दो? कायदे आजम ने कितने ताले लगाए थे? बात सीधी सीधी यहां पर यह है, और खुल के बात करने की, अब बात भी सुनो, ऐसा नहीं करना। आपने अपनी बात की है वगैरह, लेकिन बात सीधी सीधी है, 780 है और उससे ज्यादा दायरगी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है, आर्टिकल 6 का मुकदमा बनता है। आप किस तरीके से किसी असाइल को कहते हैं आज तेरा मुकदमा नहीं जमा होगा? स्ट्राइक एक कानूनी हक है। दायरी दायरी पूरे पंजाब से हमारे दोस्त आए हैं, सारे आज यहां पर मौजूद हैं। हम क्यों ना पिटीशन लेके जाएं सुप्रीम कोर्ट के सामने कि ये वायलेट किया जा रहा है, आईन को वायलेट किया जा रहा है। हर बार एसोसिएशन यहां पे दस्तखत करे, सुप्रीम कोर्ट में उठा के लेके जाओ। बात ये है, जब आप ताले की और बंद कर दो और गेट बंद कर दो, अवाम, हम तो आपके साथ हैं, मैं मौजूद हूं, आपको एक बात कड़वी लग रही होगी, लेकिन अवाम आपके साथ नहीं है। आपने अवाम को यह दिखाना है कि हम टेररिस्ट नहीं है, आपने अवाम को यह दिखाना है कि हम ताले नहीं लगाते, हम कानून के जरिए करते हैं। पटिशने लेके जाइए, नहीं होता तो आहिस्ता आहिस्ता सीधा ताले ते जान दो।
बात सीधी सीधी ये है, आप भाई हैं, हम आपके साथ यहाँ पे मौजूद हैं, तोड़ तक जाएंगे, और यहाँ पे कोई धड़ेबंदी नहीं, यहाँ पे कोई बीच में पार्टीबाजी नहीं, यहाँ पे सारे के सारे दोस्त मौजूद हैं। वकला इत्तेहाद इसीलिए कह रहा हूं जिंदाबाद है, सारों को लेके जाएं, दूसरे दोस्तों को यहां पर क्रिटिसाइज मत करें, अपना जो करना है पटिशन जमा करवाएं। बुध को राणा आसिफ का मुकदमा इस्लामाबाद के अंदर लगा है, वहां पर होना चाहिए। यहां पर लाहौर में हमारे भाई मेहरान का मुकदमा लग गया 14 तारीख को, हमें यहां पे उसकी नुमाइंदगी देनी चाहिए। ये चीजें आप करें, ये उसका हाथ यहां पे बीच में करें, जो मस्कीन होता है उसको तो केला करके उसके सर के ऊपर सियासत हो जाती है। आपने इंपॉर्टेंट चीज यही है, तमाम दोस्तों के साथ यहां पे मैं दिल से आपसे बात कर रहा हूं, आपको शायद मेरी बात कड़वी लग रही हो, मगर इंपॉर्टेंट चीज ये है, कानून और आईन के मुताबिक लड़ेंगे तो अवाम भी हमारे साथ आएगी, हम हक पर हैं। इसको इस चीज पर मत खराब करें कि सीधा जाके हाईकोर्ट के ऊपर ताला लगा दे, कौन बंदा आपके साथ लगे चलेगा।